6:46 हो चुके हैं, हम सभी लोग अपनी नींद भी पूरी कर चुके हैं रास्ते में। कैसे है भाई सभी लोग? एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। अथर्व आप कैसे हो? बहुत थकावट हो रही। तो त्र्यंबकेश्वर से हम कितने बजे चले थे, कुछ आइडिया? 4:30 आप देख सकते हैं यहाँ शिरडी का नज़ारा। रास्ता थोड़ा सा अभी सड़क पे काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ आप देखेंगे तो हर दुकान में साईं दरबार, साईं शुभम। गाना बंद कर देना भैया, कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो। साईं का बिग बाजार स्पेशल पठानी, साईं प्रणाम। अभी हम यहाँ से, ये लिखा हुआ है वे टू दर्शन पास डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर, पेड दर्शन पास। तो यहाँ जा रहे हैं हम, अभी यहाँ से टिकट लेंगे और ये करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज डे टू है, लेकिन डे वन की समरी बता देता हूँ आपको। सुबह 3 बजे उठकर, 4 बजे रेडी होकर, 5 बजे एयरपोर्ट पहुँच गए थे। 6:15 की फ़्लाइट थी, 6 बजे ही चल पड़ी थी क्योंकि सारे लोग आ गए थे। और जल्दी चलते हैं, ऐसा भी होता है मुझे पता नहीं था। और 8:15 हम मुंबई पहुंच गए थे। उसके बाद मुंबई से हम सीधा गए त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन करने, और त्र्यंबकेश्वर जी में दर्शन करके उसके बाद हम आ गए शिरडी। रात को सोचा था यहाँ थोड़ा सा घूमेंगे मार्केट में, लेकिन यहाँ भी काफ़ी टाइम लग गया था दर्शन करने में। और उसके बाद रात को फिर हम यहीं रुक गए, क्योंकि पहले प्लान था कि हम जाएंगे घृष्णेश्वर में रुकेंगे या औरंगाबाद में रुकेंगे, तो लेट हो गए थे तो इसलिए हम यहीं रुके। तो आज का प्लान है हमारा यहाँ से पहले घृष्णेश्वर से फिर घृष्णेश्वर से आगे जाएंगे भीमाशंकर, और रात को स्टे करेंगे भीमाशंकर जी में। तो एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कल हो गए, 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आज हो जाएंगे, 3 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएंगे। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं और भोलेनाथ की कृपा से सब बढ़िया ही है। भोलेनाथ से मांगेंगे कि आप सब लोग भी खुश रहें, सुखी रहें और अपना आशीर्वाद हमेशा सब पर बनाए रखें। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। और सुबह 8 बज रहे हैं और हम चल पड़े हैं शिरडी से। शिवजी की तरफ चल पड़े हैं अब हम शिरडी से 8 बजे। सब रेडी हैं, ये देखिए ये इंस्टा वाली मैडम है, देखो ये इंस्टा बना देखते हैं रील। कल ही इनका अकाउंट हैक हुआ था। ये योगिता, प्रवीण, कंशुक, रुद्राक्ष और अथर, क्या लेकिन नाम हमें पता नहीं, कोई बात नहीं। गोदावरी रख लो, कावेरी रख लो। हाँ, नासिक के नजदीक में है तो गोदावरी रख लो, वो भी सकता है। छोटे छोटे गाँव, कोई छोटा सा उसका पार्ट कर लो। हाँ, आगे तो शायद ही गोदावरी में मिलता हो, बाकी हमारी यूट्यूब देखने वाले बता सकते हैं कौन सी जगह है। शिरडी से कितना, 4-5 किलोमीटर होंगे, नहीं ज़्यादा, 10 किलोमीटर पार्किंग में पहुंच चुके हैं। और ये फूल नहीं, पहले वीडियो तो बना लें, आप कैसी लग रही हैं, आप फूल की टोकरी ले रखे हाथ में। और ये पार्किंग में हमने गाड़ी लगा ली है घृष्णेश्वर महा। अरे वो कहाँ रह गए दोनों, फोटो खिंचवाते रह गए। क्या
अच्छा एक कर दो दीदी, ये इधर चप्पल उतार दो, हमने भी डाली है, डाली हमने भी चप्पल डाली है, हमने भी चप्पल उतार दी, चप्पल उतार दो बंजी से सर रखने वाला डाली नहीं है। हां हां टोकरी चप्पल उतार दो, आप दो लो ठीक है। हां जी अब उतार दो, चलो खोल दो चप्पल। ये क्या है, कमल का फूल है? कमल का फूल, केले का कमल, ये तो केले का लग रहा है, केले का कमल है इधर मत, ये भी क्या है। अच्छा केले का कमल का फूल बना दिया? नहीं केले का कमल। अच्छा केले का कमल अच्छा 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 पार्वती की लेडीज कैसे पूजा होती है तो ये साल में एक ही बार चढ़ जाता है दीपावली के महीने। खराब तो दिवाली इसका कितना कितना है बताओ पहले देंगे भैया, हम ही पूजा पानी करने की वजह दाली बना के दे भैया, इधर चप्पल जूता खोल दो ना। आगे करवा लेते हैं ना, कितने ले रहे हैं इसका? सर 160 का आता है, अंदर में अलाउड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ओनली मेरा। मैं करता हूँ बात एक बार, लगा लिया भाई लगा लिया, कुछ नहीं होता। दिखाओ सर आपके पास हैं उनके, हाँ दे दो कितने में? 200 रुपये हो गए ना, 400 क्यों? चार। अरे हमने थोड़ी बोला था दो, तो हमारी दो क्यों करी है? आपके भी मंदिर शिवलिंग सेट है ना सर, वही देखो ये अंदर का भीतर का शिवलिंग का है सर, ये और ये बाहर का मंदिर का है। हाँ ये ठीक, प्रवीण का आ रहा है, ये पूछते हैं ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? पेड़ा है, पेड़ा। इधर ये पेड़ा बहुत चलता है, इधर शिरडी में भी पेड़ा बहुत चलता है ना, पेड़ा क्या रेट है पेड़ा का? 80 रुपये और 100 रुपये भाव, मतलब कौन सा 80 कौन सा 100? ये 100 ये 80, क्या फ़र्क है दोनों में? ज़्यादा कम ज़्यादा चढ़ता है, शक्कर है कम, इसमें कम शक्कर है, इसमें ज़्यादा कम शक्कर वाला दे दो मेरे को। क्या ले रहे भाई? एलिफेंट ले लिए, कितने सारे एलिफेंट, कितने का है भाई ये, क्या क्या है? इयररिंग ब्रेसलेट सेट आता है सर, ये इनोरा स्पेशल इधर ही बनता है, ये कटिंग करके बनता है इनोरा का, 150 रुपये। ये नहीं चाहिए, घोड़े पड़े हैं यार, कैसी मैडम आप? मैडम आपकी फोटो आ गई है, हाँ देख लो आप आपकी फोटो आए, फिर पैसे दीजिए ना। यहाँ कितनी दिए? ये दो दिए आपने, कह रहे बाबू जी ने दो बोला, दो कब बोला उसने? ये ऐसे होते हैं चालू इधर, मेरे भी दो ले आया, कह रहा आपने भी बोला, मैंने कहा यार मैंने नहीं बोला, चलो ऐसे ही होता है। हमने एक फोटो क्लिक करवाई थी लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं बाबू जी दो, एक में बाहर का है एक में ज्योतिर्लिंग का है, ऐसे ही इधर है, पहले एक फोटो थी दो हो गई। हाँ मेरे को बोलते आप संभाल लेंगे कोई बात, मैंने कहा ये ठीक है, कितने पैसे दिए? 200 दिए, 200 इसको, वही ना 20 रुपये की टोकरी फूलों की, उसके बाद फिर उसमें केले का फूल डला है, फिर भांग धतूरा डला उसमें, और हो गया 200 का, इसने हमारे टीका लगाया था, ये वही करता है। कृष्णेश्वर महादेव की जय हो, और अब हम कृष्णेश्वर से चल पड़े हैं आगे, पहले औरंगाबाद जाएंगे नाश्ता करेंगे वहाँ पे, क्योंकि नाश्ता नहीं किया, 11:15 हो गए, अभी खीरा खाया हमने, नारियल मिला प्रसाद में, और उसके बाद जाएंगे भीमाशंकर, रात को स्टे करेंगे भीमाशंकर में, और वहाँ हमारा कोलकाता वाला फ्रेंड मिलेगा राजेश, उससे भी मिलेंगे वहाँ जाके। एक टीम हमारी मुंबई में है, एक हमारी पुणे में है, और एक टीम हमारी चल रही है, आगे बैठ जाता हूँ फिर मैं फ्रंट सीट पे बैठ कर व्लॉगिंग करेंगे आज। नहीं डरेगा तो? ये अलोरा है, हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं भैया?
टाइम दो ढाई घंटे चाहिए। हेलो अजंता एलोरा गुफाएं बोलते हैं इसको, एलोरा बोलते हैं, अजंता 100 किलोमीटर। हाँ अजंता यहाँ से 100 किलोमीटर है, लेकिन नाम दोनों का कट्ठे कट्ठे ही बोला जाता है अजंता एलोरा के गुफाएं, जबकि अजंता यहाँ से 100 किलोमीटर है। पूरे सारे पहाड़ी पे अंदर केव्स हैं बनी हुई, तो जितना हम देख रहे हैं उतना ही हम आप लोग को भी दिखाएंगे। वो आगे देखिए 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 ये है गुफाएं, आगे से थोड़ा और क्लोज दिखेंगी, ये देखिए ये नीचे जरा स्लो चलाना, वो देखो वो रही हो रही है, पहाड़ों के अंदर बना रखी। दो घंटे बचा लिए हमने गुफाएं देखने से, ये रही है देखो वो देखिए। हाँ इंसान भाग रहा है लेकिन पहुंचना कहाँ है किसी को नहीं पता। पेट पूजा नहीं होती ना, कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा ओके अच्छा निकलेगा। अभी भैया हमें ब्रेकफास्ट करवाएंगे, जब ब्रेकफास्ट करवाएंगे तो दिखाएंगे हम आपको कि मेनू में क्या क्या ऑर्डर किया है। ओके फिर हमारी स्माइल देखना। ओके ओके तो ये भूख के वजह से सुर बदले स्माइल नहीं निकल पा रही ओरिजिनल वाली ना। देखो यहाँ पे एक ये होटल था, अच्छा रात में आते ना रात को रुकने के लिए यही होना था। और क्या लेकिन 100 किलोमीटर चल के रोड भी अच्छी नहीं थी ना। हाँ रात को दिक्कत हो जाती है अगर रात को आते हैं। और हम यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पर सीताफल, ये सीताफल बहुत होता है इधर। और ये है ये क्या है, फिग अंजीर। हाँ गढ़वाल में तिमले जैसा होता है, जैसे गढ़वाल में तिमला होता है वैसे उसकी तरह होता है। इसका रेट क्या है भाई, 160 का केजी। और ये सीताफल हनुमान सीताफल आया अभी। हनुमान फल कौन सा है फिर, कौन सा ये जो आपके पास है? सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है हनुमान फल। और ये है सीताफल। रामफल कौन सा है फिर? रामफल मार्च में आता है फिर। रामफल मार्च का, वेरी गुड। भगवान के नाम पे फल हैं सारे। ये कलर लगाया हाँ ये तो कलर लगाया होगा ना। अगर खा लेते हैं रिकॉर्डिंग वाले, ये है सारा। ये आ रहे हैं सज धज कर लोग, औरंगाबाद पुणे हाईवे पर हम रुके हैं हैप्पी फैमिली रेस्टोरेंट पे। मैगी मैगी भी नहीं है, कुछ नहीं है जो है वो दिखा दिया। तंदूरी बटर, और एक वो आलू गोभी की सब्जी भी कर देना। हाँ कितनी सब्जी, दो कर दो, एक बहुत है। ठीक है एक ओके, ये कहाँ खाते हैं ये। ठीक है ठीक है इशू का तो मन ही खराब हो रखा है ना, थोड़ा सा पहले नींबू पी ले पहले ना खा जाओ हैं यार। 4-5 ले आना मसाला पाव, 5 ले आओ अब इनको मजा आ गया, मजा आ रहा है उसको छेड़ने में ना। और ये आ गया मसाला पापड़, ले ले इसको, देखने में ही अच्छा लग रहा है कलर इसका, खाने में और भी अच्छा है, खाने में और भी अच्छा है। ओह इसकी सब्जी गिर गई, ये देखो
अभी खाओ अभी खाओ। ये काम क्यों रहा है, मेरा हाथ काम रहा है, यही काम रहा है, यही काम रहा है। कैसा जल्दी जल्दी खाना ठीक रहता है, नहीं तो इसमें मच्छर आ जाएगा, बेकार है। खाना आ गया, टूट पड़ो थैंक यू। इतनी देर में आया है, अब हम पैसे नहीं देंगे। एक बीस हो गया, हाँ तो हमें 40 मिनट हो गया वेट करते थे, कम कम से कम 40। हम पहुंच गए हैं सनी सिग्नापुर, यहाँ घरों की चौखट ही नहीं है क्योंकि यहाँ लोग ताले लगा के नहीं रखते। ये मंदिर है इधर, इस तरफ मंदिर है, सारा मंदिर का एरिया है इधर, और इधर पार्किंग बनी है, और ये शनेश्वर देवस्थान है। पहली बार आया था और इसको बहुत चेंज हो गई है, बहुत चेंज। अच्छा पहले कच्ची थी पार्किंग, मैंने सुना कच्ची थी, पार्किंग पक्की हो गई है। ये आगे स्क्रीन में देख सकते हैं आप, मंदिर दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। चलो ठीक है, चलो चलो फिर ऊपर जाते हैं। हाँ ब्लॉग में ये है वो शनिदेव जी की मंदिर मूर्ति, जिसमें पानी चढ़ता, ये तेल चढ़ता रहता है, जो हमने तेल अभी चढ़ाया। और ये पिटाई हुई बच्चे की शरारत करने पर। ये है शनि देव जी की शिला, जिसके ऊपर से सरसों का तेल जो लोग चढ़ाते हैं वो निरंतर बहता रहता है। ये लोग यहाँ चढ़ा रहे हैं वो दूसरी साइड से। जय शनि देव, सभी पर दुख दूर हरे शनि देव। और शनि देव की बड़ी कृपा रही और हम एक घंटे से भी जल्दी दर्शन करके आ भी गए। और यहाँ मंदिर के बाहर हम एक फोटो खींच लेते हैं। ये है मेन एंट्रेंस। जय शनि देव, जय शनि देव, जय शनि देव। नारियल पानी पीने का टाइम, और ये पी रहे नारियल पानी, नारियल पानी, नारियल पानी बहुत मीठा है। मेरा नारियल पानी भी आ गया। उसके बाद हम कॉर्न्स खाएंगे, कॉर्न्स मुंगरी खाएंगे, मुंगरी। मेरा फोन है। ये अमृत तुल्य चाह, अमृत तुल्य चाह, और ये भी बालाजी वाला बगल में होटल गुरु चाय पीने। रुद्राक्ष क्या कर रहे हो आप? साइड में देखो, कुछ खाने जानते तो कुछ। और ये चाय का आनंद है, चाय पहाड़ी लोग को चाय चाहिए। अमृत पुल्य गुरुदत्त अमृत पुल्य, जैसे हमने चाय लिया आंटी से, और चाय और ये बहुत देर की लंबी वेटिंग होने की वजह से हम यहाँ से जा रहे हैं। ज़्यादा देर हम वेट नहीं कर सकते हैं। भुजबल में बहुत वेटिंग है, पहले वाले भी वेट कर रहे थे, तो हमने सोचा भैया आगे जा कर ट्राई करते हैं। लॉन्ग 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 क्यूज। अब हम आए हैं रवि किरण प्योर वेज,
क्योंकि लास्ट में हमने बताया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग थी और ऊपर से नॉन वेज भी था, थोड़ा कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। तो अब हम यहाँ पर रुके, इसमें भी अच्छा भला क्राउड है, पूरा रश है इसके अंदर। और यहीं पर है अभी, आई होप कि यहाँ मिल जाएगा, बाकी लोग बैठ गए, गाड़ी लॉक करवा देते हैं और चलते हैं। और इनका मुझे लग रहा है कि सिस्टम भी अच्छा है, सिटिंग सिटिंग सब बढ़िया है, मस्त है एकदम। और किधर गए, किधर गए अपने, किधर गए, और ये बैठे हैं हमारे साथ के लोग। और ये रुद्राक्ष परेशान, लॉक कर दूँगा, ओके हाँ लॉक हो गया। और यहाँ ये टेंशन की बात नहीं है कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि वैसे तो सब और ओके है। और ये आ गई है मेरी थाली, इसके अंदर सबसे अच्छे तो मुझे गुलाब जामुन ही लग रही है। ये क्या क्या होगा मुझे तो आइडिया नहीं लोकल। ये दाल है, ये भी, ये कड़ी है शायद, ये सब्जी है, ये दाल है, ये थाली और सब्जी नीचे भी है क्या, और ये भी है, ये पता नहीं मूंग है कि ऐसे मूंग जैसे ही लग रही है, केसा केसा मिर्ची है। ओके तो इनको पता है भैया को, लोकल है तो इनको आइडिया है क्या क्या है। ये गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन मुझे खाना है, गुलाब जामुन मेरे प्लेट में रख दो, गुलाब जामुन ले भैया, दोनों खा लेगा, एक तो दे देगा यार प्लीज, नहीं दोगे अब, हाँ खा लो खा लो। रात के बज चुके हैं 11:30 और हम अब पहुंचे हैं भीमाशंकर के पास, एक छोटा सा रिजॉर्ट है, छोटा सा क्या है, ठीक ठाक ही है, ज्यादा छोटा भी नहीं, 3,000 मिल रहा है इसका, छोटा सा बोल के बेइज्जती कर रहा है। जंगल के बीच में ब्लू मॉर्मन, मैंने अभी नाम देखा नहीं है, ब्लू मॉर्मन, ओके ब्लू मॉर्मन, यार आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे पूरा नाम दिख नहीं रहा। इससे पहले मेरा भी एक फ्रेंड कल ही गया है यहाँ से होकर, तो उसी ने दिया था यहाँ का एड्रेस, तो हम यहीं आ गए, उसी से फ़ोन नंबर लिया था, यहीं हमने बुक करा लिया। तो 11:30 बज चुके हैं, तो हम जाएंगे और सो जाएंगे, घर का रास्ता वगैरह अगले ब्लॉक में देख लेंगे, अगले ब्लॉक में देख लेंगे। नींद आ रही लग रही मुझे, रास्ता दिखाया नहीं ना हमने, इसलिए थोड़ा जंगल का सा रास्ता सा, पहाड़ी का सा एरिया सा था, हम थोड़ा राम नाम ले रहे थे। अंदर भी देख लेंगे अभी थोड़ा बहुत, कॉल कर तो अभी हम कहाँ पहुँचे, क्या नाम है, ब्लू मॉर्मन, हाँ ब्लू मॉर्मन, उधर बताइए वो लिखा हुआ ब्लू मॉर्मन, मॉर्मन है, मॉर्मन मॉर्मन, ये काफ़ी हाइट है सी बट, और ऐसा लग रहा है ये रुद्राक्ष जी सो गए हैं, ये सस्ता कसोली लग रहा है। रूम्स कैसे हैं अभी दिखाते हैं, रूम्स अच्छे हैं, और ये देखिए रूम हमारा हो गया, और ये आज हमारा साथ दे रहे हैं ब्लॉगिंग में, किन चुका रहा ये देखिए क्या ब्लॉग है, ठीक है रूम ठीक है, वॉशरूम किधर है, ये एक कमरा दरवाजे वॉशरूम का चला है, एक और कमरा है क्या, ओके वॉशरूम में हमेशा देखता हूँ दिखाता हूँ, क्योंकि ये साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, ओके डन है, गुड है। और ये क्या है, इधर कपबोर्ड है, देखिए बालकनी है, और बालकनी में क्या है, बालकनी भी बंद है, गुड ओके ओके, यहाँ टेबल लगी है, सुबह दिखाता हूँ आपको, पीछे शीशा है क्योंकि जंगल का एरिया, इसके पीछे एक ग्रिल लगी हुई है,
ओके सो फाइनली बाय बाय फॉर द डे सी यू